दोस्तों ये रास्ता जाता है हल्द्वानी से रुद्रपुर की तरफ और बीच में जंगल पड़ता है टांडा जंगल, और उस जंगल में कितने जंगली जानवर हमें देखने को मिलते हैं आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों इस रास्ते से हमारा रोज आना जाना होता है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस क्लिक करके रखी हुई है ताकि आपको भी रोमांचक मजा आ जाए इस रास्ते से आने जाने में। दोस्तों ये रास्ता रुद्रपुर की तरफ जाता है हल्द्वानी से, और हम हल्द्वानी से रुद्रपुर की तरफ चल दिए, और मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस शूट करके रखी हैं ताकि आप भी देख सकें कि यह रास्ता कैसा है और यहाँ जंगल के बीच में कैसे कैसे जानवर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इस रास्ते पर टांडा जंगल पड़ता है, टांडा जंगल आपने नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों बताया जाता है कि टांडा जंगल बहुत ही बड़ा जंगल है जो कि आगे जाके कॉर्बेट नेशनल पार्क वाले जंगल में भी मिल जाता है, इसलिए बोलते हैं कि इस जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहते हैं। तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों हमारे साथ साथ कि हम रोज़ इस रास्ते से जाते हैं तो कितना रोमांच भरा यह सफ़र रहता है। कभी आपको भी इस रास्ते से आने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइए दोस्तों, हो सकता है कि आपको भी एक से एक जंगली जानवर देखने को मिल जाएं। अभी हम पीर बाबा मंदिर पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए कितना बड़ा यह मंदिर है, पीर बाबा मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इससे आगे दोस्तों यह जंगल शुरू होता है, टांडा जंगल इससे आगे ही शुरू होता है। तो हम रोज की तरह अपने ही सफर पे चल दिए, अब आप देख सकते हैं इससे आगे घना जंगल कैसा है दिखता है, ये देख सकते हैं आप दोनों ही तरफ कितना घना जंगल है, ये देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है। इस घने जंगल में एक से एक जानवर रहते हैं दोस्तों, कभी कभी आपको वह देख सकते हैं। जो लोग एडवेंचर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं या फिर खुले में जानवर देखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार होता है। दोस्तों आप कभी इस रास्ते से आएंगे तो कोई ना कोई जानवर आपको जरूर देखने को मिलेगा। वैसे तो बंदर आम तौर से इस जगह पर देखने को मिलते ही हैं, वो तो आम बात है दोस्तों, लेकिन जब आप इस जंगल में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों लास्ट जो चौकी थी वो यहाँ पर फॉरेस्ट चौकी थी, उससे आगे फिर यहाँ पर जंगल शुरू हो जाता है, बहुत ही घना जंगल है। तो हमने कई तरह के जानवर यहाँ से आते जाते देखे हैं जो कि मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा दोस्तों, और मैंने खास करके हाथी मेरे को जब मिले तो मैंने उनकी वीडियो भी बना ली, वो खास करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों हमें गजराज देखने को मिले, हाथी बहुत ही बड़ा हाथी यहाँ पर हमें देखने को मिला रोड के साइड में। दोस्तों ये थोड़ा मैंने दूर से वीडियो बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं हाथी के दो दांत भी हैं बहुत बड़े से जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यहाँ पर हाथी शायद रोड पार करने के मूड में था लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण और यहाँ पर वन विभाग द्वारा जो गड्ढे बनाए गए हैं उसके कारण भी यहाँ पर रोड पार नहीं कर पाया, तो हमने इसकी वीडियो बना ली दोस्तों। साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे और जानवर भी देखे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे, उनकी मैंने फ़ोटो निकाल के रखी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यह नील गाय है दोस्तों, यह भी हमें एक दिन देखने को मिली रास्ते में। यह है बारहसिंघा जो कि हिरन टाइप दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप बारहसिंघा है। यह नील गाय है, यह भी एक दिन देखने को मिली थी, मैंने आपको पहले भी दिखाई है, दूसरी फोटो है। यह है सौंफ दोस्तों, जिसको स्याही भी बोलते हैं, यह कांटे मारता है, यह शाम के समय हमें दिखाता है, इसे देख कर तो बड़ी डर लग गई थी। यह है हिरन का झुंड जो कि हमें देख के दौड़ गया। यह कोमोडो है दोस्तों, जो कि बड़ी छिपकली होती है कोमोडो, इसे देख के तो बहुत ही डर लगती है क्योंकि मुंह इसका सांप की तरह होता है, बाकी पीछे को ये छिपकली की तरह। यह है मोर, तो यह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जंगल में, एक दिन दिख गया था। देखिए दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको एक और, यहाँ पर हमें हाथी देखने को मिला, यहाँ पर रुद्रपुर की तरफ से हम हल्द्वानी की तरफ आ रहे हैं, और ये देखिए दांत भी हैं उसके जबरदस्त। हाथी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले दोस्तों, इसलिए मैंने हाथियों की वीडियो बना के रखी हुई है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे मित्र द्वारा ली गई है। केला नहीं देगा, वही केला बना देगा तुम्हारा, ज़्यादा हल्ला बुल्ला करा देगा।
गड्ढा बहुत बड़ा है ना, गड्ढा तभी तो खुदा है। वो दे रहा हूँ आगे मत जा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे मित्रों ने यह वीडियो बनाई है। यह मादा हाथी है और आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर नज़ारा है। तो आप भी अगर इस रास्ते से आएंगे और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो कितने रोमांचित हो जाएंगे, आप खुद सोचिए। हमारे मित्रों ने काफ़ी मौज मस्ती भी करी इस वीडियो के साथ साथ, आवाज़ से तो जान ही रहे होंगे। स्कूटी भगा ले बेटा यार, स्कूट निकालने क्या। तो अगर आप भी ऐसे ही रोमांचित होना चाहते हैं तो कभी इस रास्ते से जरूर आइए, और क्या पता आपकी किस्मत भी सही हो तो आपको भी ऐसे जानवर देखने को मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन।